चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर पहले से मेरी वीडियोस को देखते हैं तो थैंक यू सो मच। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम हमारे फेशियल हेयर को कैसे ब्लीच कर सकते हैं। ब्लीच करना बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। ब्लीच हमारे फेस से डार्क स्पॉट, अनइवन स्किन टोन, सन टैन और डल स्किन को रिमूव करता है और साथ में हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग और क्लियर बनाता है। तो चलिए देखते हैं घर पर ब्लीच कैसे किया जाता है। ब्लीच के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ आस्था ब्यूटी के डायमंड ब्लीच, जिसका प्राइस है 75 रुपीज, जिसमें आपको मिलेगी ब्लीच क्रीम, ब्लीच पाउडर और एक स्पैचुला। आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग ब्लीच क्रीम निकाल लेनी है और उसमें आपको ऐड करना है ब्लीच पाउडर, थोड़ा सा एक चुटकी ब्लीच पाउडर, और आपको इसको अच्छे से 2-3 मिनट के लिए मिक्स करना है। उसके बाद आपको इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। आप चाहें तो यहाँ पर किसी ब्रश का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ये फिंगर से लगाना ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं इसको अपने फिंगर से ही अप्लाई करूँगी। और फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए कि आपको इसको अपने आईज के पास बिल्कुल भी नहीं लगाना है, वरना आपके आईज में बहुत ज़्यादा जलन होगी। आपको इसको अपने आईज से दूर ही रखना है और अच्छे से इसको अपने फेस के ऊपर, पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप पहले ब्लीच को अपने हाथ के ऊपर लगा के ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको जलन हो रही है या कुछ भी, तो आप इसको अपने फेस पर अप्लाई बिल्कुल भी मत कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए, फोरहेड वगैरह सब पर। और फ्रेंड्स, हाँ, याद रखिए आपको इसको अपने नेक के ऊपर भी लगाना है। अगर आप इसको अपने नेक के ऊपर नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप अपना फेस किसी से उधार मांग कर लाए हैं। तो आपको उसको अपने फेस के ऊपर भी अप्लाई करना है और नेक के ऊपर भी अप्लाई करना है। और इसको लगाने के बाद आपको 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। सो फ्रेंड, 10 मिनट हो गए हैं। अब आपको एक गीला टॉवल लेके इसको अपने फेस से हटा देना है। और फ्रेंड्स, आपको इसको बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हटाना है। आपको इसको ज़ोर से रब नहीं करना है, वरना आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एलर्जी और दाने हो सकते हैं। आपको इसको बहुत ही हल्के हाथों से अपने फेस के ऊपर से रिमूव कर देना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। आप इसको अच्छे से साफ कर लीजिए और अब आपको ठंडे पानी से अपना फेस धो लेना है। देखिए फ़र्क कितना दिख रहा है मेरे फेस पे। और अब आप एक कॉटन के टॉवल में आइस क्यूब लीजिए और उसको अपने फेस पे अच्छे से रब कीजिए। इससे आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा ठंडक मिलेगी और ये आपके ब्लीच में 4 चांद लगा देगा। फ्रेंड्स, आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कितना ज़्यादा फर्क देखने को मिला है। सो फ्रेंड्स, बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके साथ और अच्छी अच्छी वीडियो शेयर कर सकूँ। बाय।